मैम बार बार परेशान किया जा रहा है आप लोगों को? अरे हजारों बार परेशान करेंगे हम लोग बोलेंगे। लैंड फॉर जॉब स्कैम में 7 मार्च की सुबह सीबीआई की टीम मीसा भारती के दिल्ली आवास पर पहुंच चुकी है, जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से सीबीआई पूछताछ करेगी। बता दें कि लालू यादव अभी दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर ही रह रहे हैं। उनका हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। इससे पहले 6 मार्च को बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी के पटना आवास पर सीबीआई के 12 अधिकारियों की टीम पूछताछ के लिए पहुंची थी, जहां उनसे करीब 4 घंटे तक पूछताछ चली। घर में मां राबड़ी देवी के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव पहले से ही मौजूद थे। आपको बता दें, ये पूछताछ IRCTC घोटाले यानी नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में हो रही है। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम का यह केस 14 साल पुराना है। तब लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी। बता दें कि लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया। सीबीआई ने पूछताछ के लिए पहले ही लालू यादव का समन भेज दिया था। इस मामले में 15 मार्च को कोर्ट में पूर्व सीएम के साथ उनकी पत्नी और बेटी मीसा को भी पेश होना है। वहीं दूसरी तरफ इस कार्रवाई पर देश में राजनीति भी तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस भी राज्य में विपक्ष की सरकार है उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, ईडी सीबीआई भेजकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, ये गलत है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कहती है, जो विपक्षी नेता भाजपा के सामने झुकने को तैयार नहीं है उन्हें ईडी सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। आज राबड़ी देवी जी को परेशान किया जा रहा है, लालू यादव उनके परिवार को वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि वो भाजपा के आगे झुके नहीं, भाजपा विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। तो दोस्तों, ईडी और सीबीआई की चल रही इस कार्रवाई पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले।